स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल में। चलिए दोस्तों आज बात करते हैं इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में कि क्या चल रहा है आजकल इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस में, इतनी नेगेटिविटी क्यों फैली हुई है। आप सभी को पता है कि मार्च अप्रैल से मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन चल रहा है, मार्केट में अभी भी कोई तेजी की उम्मीद दिख नहीं गई है और इस बीच यही सेंटिमेंट्स अभी एक्सचेंज को लेकर के, मतलब इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज की आप बात कर लीजिए, चाहे वो वजीर एक्स हो, क्वाइन डीसी एक्स हो, स्विच कुबेर हो, क्योटस हो, कोई भी हो, अब ये सब इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज को लेकर के भी सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव बनना चालू हो गया है। और क्रिप्टो मार्केट में जो अभी अनिश्चित बात चल रही है, मतलब कितने दिन तक और मार्केट नीचे जाएगा, उसी बीच क्रिप्टो एक्सचेंज में कानूनी विवाद भी काफी बढ़ चुका है। कुछ एक्सचेंज ऐसे भी है जो कानूनी विवाद में मतलब फंस चुके हैं। सो क्या है पूरी कहानी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज की, हम देखते हैं आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले, अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आप सभी को ये पता है कि इस साल बजट में जब निर्मला सीतारमन ने बजट दिया था, तब उन्होंने नया टैक्स लगाया था क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने 30% टैक्स लगाया था इनकम के ऊपर और TDS भी मतलब इम्पोज किया था। जो 30% टैक्स है वो आपको आपके प्रॉफिट में देना है, जो कि 1 अप्रैल से इम्पोज हुआ है, और जो 1% TDS है ये 1 जुलाई 2022 से इम्पोज हुआ है। अब मार्केट में केवल दो तरह के मतलब खिलाड़ी कहते हैं, एक इन्वेस्टर और दूसरा ट्रेडर। अब ये जो 30% टैक्स है, इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर कोई दूसरे कॉइन में लॉस होता है तो वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसके कारण जो इन्वेस्टर्स कम्युनिटी है वो काफी मतलब उनका वो काफी डीमोटिवेट हो चुकी थी और उन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट करना भी काफी कम कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि भाई किसी भी कॉइन में हम कमाएंगे तो 30% हमको टैक्स देना पड़ेगा। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी के जो है ट्रेडर, जिन पे TDS इम्पोज है। तो 1% TDS के बाद तो जो डेली ट्रेडिंग जो करते हैं तो उनको पता है कि 1% TDS के बाद उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी कम हो गया है या ना के बराबर हो गया है, तो उन्होंने भी ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो मतलब काफी कम कर दी है। तो इस तरह से एक इन्वेस्टर की जो कैटेगरी है और दूसरा जो ट्रेडर की कैटेगरी है, ये दोनों जो है वो मार्केट में बहुत कम एक्टिव हो चुके हैं। सो अभी इसका असर किस पे पड़ा है, ये टैक्सेस, ये टैक्सेस का असर पड़ा है इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज में। अभी एक रिसर्च फर्म है क्वेबेको करके, जो कि मतलब क्रिप्टो करेंसीज और एक्सचेंज पे गई करके मतलब अपनी पब्लिकेशंस, अपनी रिपोर्ट्स रिसर्च करती है। तो उनके जो फाउंडर है सिद्धार्थ सोगानी, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला है, उसमें क्लियर कट कहा गया कि मतलब जो 1 जुलाई के बाद से जो TDS आया है, उसके बाद जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है, जो कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है, मेजर इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है, उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफी गिर चुकी है। उन्होंने एग्जांपल दिया कि मतलब वजीर एक्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम 83% गिर चुकी है, कॉइन DCX की 70%, ZPay की 76% और BitBNS की 18% गिर चुकी है। सिद्धार्थ सोगानी ने यह भी कहा कि मतलब जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स गिरी है उसके दो मेन कारण है, एक जो मार्केट सेंटीमेंट्स है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट सेंटीमेंट्स वो काफी नेगेटिव है, और दूसरा जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स है वो मतलब जो है वो इंडिया से मतलब बाहर निकल गए हैं, वो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर रहे। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स क्यों मतलब निकल गए, क्योंकि 1% TDS के बाद उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ना के बराबर हो गया है। जब इस चीज को लेकर कॉइन DCX के CEO सुमित गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब जो उनके एक्सचेंज की वॉल्यूम्स है वो और आने वाले 8-10 महीने में और नीचे मतलब जो है वो चला जाएगा। साथ ही साथ जो निश्चल शेट्टी है WZX के फाउंडर, उन्होंने कहा कि कुछ ट्रेडर्स कंफ्यूज है कि जो 1% TDS है ये फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को एप्लीकेबल नहीं है, हालांकि ये जो भी बात है वो मतलब सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है उन पे 1% TDS एप्लीकेबल नहीं है, बट ये ट्रेडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उतना TDS डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मतलब अपना जमा कर दे। अब ये 30% टैक्स और 1% TDS को रे करके एक्सचेंजेस में प्रॉब्लम्स चली गए थे, उनकी मुसीबत ही थी, अब और मुसीबत उनकी बढ़ गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ED है, उसने मतलब उसके जांच के घेरे में कई क्रिप्टो एक्सचेंजेस आई है, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में मतलब कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज को जो है उन्होंने नोटिस दी हुई है। तो उन्होंने नोटिस दिया है कॉइन DCX को, WZX को और कॉइन स्विच कुबेर को। उन्होंने एक्सचेंजेस से एक्सप्लेनेशन सॉर्ट किया है कि मतलब जो आपने ट्रांजेक्शन किया है, जो भी मतलब क्रिप्टो करेंसी जो आपने बाहर ट्रांसफर की है, वो फेमा का वायोलेशन करता है, फेमा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का जो है वो वायोलेशन करता है। तो जो कॉइन DCX के फाउंडर है सुमित गुप्ता, उन्होंने बैंगलोर ऑफिस में जाकर के जो फेडरल एजेंसी है ED की, उससे जाकर के उनको मतलब पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है, और उन्होंने कहा है कि मतलब किस तरह तो उन्होंने इतने क्रिप्टो करेंसी जो है मतलब वो बाहर भेजे हैं। बट WZX और कॉइन स्विच कुबेर, इनको भी मतलब नोटिसेस आए हैं और इन्होंने कुछ समय मांगा है, इनसे भी कहा गया है कि आप अपना मतलब इन्फॉर्मेशन दे कि मतलब ये जो सर्टन ट्रांजेक्शंस को लेकर के आपने किस तरह इतने क्रिप्टो करेंसी को बाहर भेजे हैं। तो उन्होंने कुछ टाइम मांगा हुआ है WZX। इनफैक्ट वो कर्नाटक हाई कोर्ट में मतलब चली गई है, जहां पे उनको इंटरिम रिलीफ मिला है। कोर्ट ने ऑर्डर पास किया जिसमें उसने कहा है कि मतलब कि कंपनी को अभी थोड़े समय के लिए थोड़ा रिलीफ है, लेकिन जो भी एजेंसी से डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन मांग गई है वो 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो मतलब दे देवे। तो ये बता दे कि पिछले महीने में मतलब जून में एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने WZX को एक नोटिस भेजा था, उसमें क्लियर कट लिखा था कि ये जो ट्रांजेक्शन उसने किए थे 2,790 करोड़ का, जहां पे उसने क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर किया था, वो कौन से तहत उन्होंने मतलब ट्रांसफर किया था और ये जो ट्रांसफर किया था ये
फेमा के रूल्स को वायलेट करता है। और इसी बीच कई क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ये भी प्रॉब्लम आ रहे थे जहाँ पे कि मतलब आप विड्रॉवल नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते, डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। अभी रिसेंट केस अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड का एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको डिपॉजिट करना, ट्रेड करना, विड्रॉवल करना टोटली स्टॉप हो गया है और वो रिस्ट्रक्चरिंग में मतलब जा रहा है। सो दोस्तों ये थी ताजा हालत इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज को लेकर। इस बीच कई सवाल उठते हैं कि क्या क्रिप्टो एक्सचेंज बंद हो जाएगा या भाग जाएगा, तो ये सब कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है और अफवाह भी हो सकती है। बस अभी हमें ये काम करना पड़ेगा कि मतलब हमें जो भी ट्रेड करना है या जो भी इन्वेस्टमेंट करना है ना कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज पे डिपेंड रहे, दूसरा या तीसरा क्रिप्टो एक्सचेंज में भी मतलब हम अपना अकाउंट ओपन कर रहे। जैसे कि एक इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज में अपना अकाउंट है तो दूसरा आप इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस हो गया, गेट आयो हो गया, उसमें भी आप अपना अकाउंट मतलब ओपन कर सकते हैं। थोड़ा ट्रेड, थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप वहां पे भी कर सकते हैं। सो आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा मिटिगेट हो जाएगा, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। नहीं तो अगर आपका सभी होल्डिंग, सभी इन्वेस्टमेंट, आपके सभी पोर्टफोलियो कोई इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज में है और उसकी ऐसी हर्ष हो गई जैसे कि जहां पे आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, अपनी क्रिप्टो करेंसीज को विड्रॉ नहीं कर सकते, आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो आप भारी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।